सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट बॉडी टाइप्स के बारे में। पर्पस चाहे मसल बिल्डिंग हो, वेट गेन, वेट लॉस या जनरल फिटनेस, बट ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, क्योंकि हम सभी के जेनेटिक्स अलग हैं, सभी का बॉडी टाइप अलग है। तो अगर आपको ये पता है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है तो आप इजीली अपना डाइट एंड वर्कआउट शेड्यूल प्लान कर सकते हो और अपनी ड्रीम बॉडी अचीव कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आइए पहले ये जानते हैं कि तीन तरह के बॉडी टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। अब मैं आपसे बात करूंगा तीनों की विशेषताओं के बारे में, सो दैट आप ये पता कर पाओ कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। पहले बात करते हैं एक्टोमॉर्फ के बारे में। ये लोग जनरली लंबे होते हैं, पतले होते हैं और इनके लिम्स लंबे होते हैं। इन लोगों का मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो बहुत फास्ट होता है और इनको मसल गेन करने या वेट गेन करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि इन लोगों की बॉडी में मायोजिनिन की प्रोडक्शन कम होती है। मायोजिनिन आपकी मसल डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है। मायोजिनिन कम होने की वजह से इन लोगों को इंटेंस ट्रेनिंग या ये कहो टफ ट्रेनिंग करने में बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से ये इजीली मसल गेन नहीं कर पाते। इन लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है अपने गोल अचीव करने के लिए, पर जब भी ये मसल गेन करते हैं तब आप देखोगे कि इनका जनरली लीन मसल टिश्यू ही गेन होता है। सेकंड है एंडोमॉर्फ। ये लोग जनरली थोड़े छोटे होते हैं, हैवी साइड पे होते हैं। इन लोगों के शोल्डर नैरो और टमी और हिप हैवी होते हैं। इन लोगों की टेंडेंसी होती है कि ये थोड़ा भी कुछ खा लें इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है और वेट लूज करने में इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पर सेम टाइम दे आर नेचुरली मोर पावरफुल, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो दे कैन बी गुड पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर एक्सेट्रा। थर्ड एंड लकीएस्ट बॉडी टाइप है मेसोमॉर्फ। इन लोगों में आपको देखने को मिलेगा एक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फैट एंड मसल। ये लोग बहुत इजिली मसल गेन कर लेते हैं, अगर इनको वेट लूज करना हो वो भी ये बहुत इजिली कर लेते हैं। इन लोगों की एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि जिस भी तरह की ये फिजिक बनाना चाहते हैं ये इजीली बना लेते हैं और इनको रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनको उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इन सब के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। अब गोल अचीव करने के लिए बॉडी टाइप के हिसाब से आपका डाइट एंड वर्कआउट किस तरीके का होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो जो लोग एक्टोमॉर्फ हैं उनको मेरा सजेशन है कि उनको बहुत ज्यादा कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कार्डियो करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि कार्डियो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है और अगर आप कार्डियो करते हो तो आपका बेटर ऑक्सीजन सप्लाई होता है पूरी बॉडी में, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। अब इनको कितना कार्डियो करना चाहिए? इनको हफ्ते में दो बार लो इंटेंस कार्डियो 15 से 20 मिनट जरूर करना चाहिए। अगर बात करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो इन लोगों को हैवी लिफ्टिंग करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए कंपाउंड मूवमेंट पर रेदर देन आइसोलेशन। कंपाउंड मूवमेंट मींस स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, पुशअप्स एक्सेट्रा। जब भी वर्कआउट करें तो 6 to 10 रेपिटेशन आपके लिए आइडियल रहेंगे। रेस्ट बिटवीन सेट थोड़ा ज्यादा रखें और हफ्ते में 3 to 4 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और अगर बात करें डाइट की तो ये लोग कितना भी खा लें इनका इजीली फैट गेन नहीं होता, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कितना भी जंक फूड खाते रहोगे, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम तक जंक फूड खाते रहे तो आपका बेली फैट बढ़ जाएगा और आपके हाथ पैर पतले ही रहेंगे। इन लोगों को 600 to 800 कैलोरी सरप्लस में रहना चाहिए, पर ध्यान रखो ईट एज हेल्दी एज पॉसिबल। जब भी आप अपना डाइट प्लान करोगे उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो होगा ही, बट थोड़ी
ज्यादा क्वांटिटी में उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। पर ध्यान रखो, जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट होगा वो हेल्दी होना चाहिए। अब बात करेंगे एंडोमॉर्फ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इनका फैट बहुत जल्दी गेन होता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप दिन भर पूरा दिन ट्रेडमिल पे भागते रहोगे, कार्डियो ट्रेनिंग के लंबे लंबे सेशन करोगे। अगर इनको बेनिफिट होगा सबसे ज्यादा वो होगा HIIT हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग से, जिसके हफ्ते में 4 से 5 सेशन इनको कंसिस्टेंटली करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन लोगों को हैवी टू मॉडरेट वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, दैट टू मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एंड आइसोलेशन। रेपिटेशन रेंज होनी चाहिए 12 से 15। जब भी अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करो उसमें आपको ड्रॉप सेट सुपर सेट जरूर करने होंगे, पर रेस्ट बिटवीन सेट आपको कम रखना होगा। इन लोगों को बहुत कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हफ्ते में 5 दिन जरूर करनी चाहिए। और डाइट में इन लोगों को कैलोरी डेफिशिएट में रहना होता है। आइडियल कैलोरी इनटेक होगा 1600 से 1800, पर कुछ लोग कैलोरी डेफिशिएट के नाम पे 1000 कैलोरी से कम पे चले जाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके एनर्जी लेवल कम हो जाएंगे, वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, इवन उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। इन लोगों को डाइट में प्रोटीन एंड गुड फैट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी कम मात्रा में खाएं। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम खाने हैं तो आपको फ्रूट्स भी मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाने चाहिए। अब बात करेंगे लकीएस्ट बॉडी टाइप के बारे में। मेसोमॉर्फ को ना तो हाई इंटेंस कार्डियो करना चाहिए ना ही लो इंटेंस। इन लोगों को मॉडरेट पेस कार्डियो करना चाहिए, और रोज ना करें, ऑल्टरनेट डेज पे अगर कार्डियो करोगे तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन लोगों को मॉडरेट टू हैवी लिफ्टिंग करनी चाहिए, अगर हैवी कर रहे हो तो 4 to 6 रेपिटेशन, अगर मॉडरेट कर रहे हो तो 15 to 20 रेपिटेशन। बेस्ट रिजल्ट आएगा अगर आप हफ्ते में 4 से 5 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन करते हो। डाइट में इनका कैलोरी इनटेक थोड़ा हायर साइड में होना चाहिए, 2500 कैलोरी इनके लिए आइडियल होगा, जिसमें 50% जो है कैलोरी वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 35% प्रोटीन से और 15% फैट से। ये तो हमने बात कर ली 3 बॉडी टाइप के बारे में, बट बहुत सारे लोग 2 बॉडी टाइप का मिक्सचर भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टो मेसो या एंडो मेसो। इसमें से भी बट आपको देखना है कि कौन सा डोमिनेटिंग है। जो भी डोमिनेटिंग है आपको उसके हिसाब से अपना डाइट वर्कआउट लाइफस्टाइल प्लान करना चाहिए। आई नो जेनेटिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और हर चीज आपके हाथ में नहीं होती, पर कंसिस्टेंट डाइट वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपने गोल अचीव कर सकते हो। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। मैं और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।